Layla, Alif Layla, Alif Layla. Alif Layla, Alif Layla, Alif Layla. Har shab nayi kahani, dilchasp hai bayani. Sadiyan guzar gayi hain, lekin na ho purani. Pariyon ko jeet laaye, jinnon ko bhi haraaye. Insaan mein wo taaqat, sab pe kare hukumat. Alif Layla. जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता, मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिले कामिल के इलाके में चली गई तो दफ्तर आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी, सब राज खुल जाएगा, फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। हे, मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। मुझे यहाँ फंसा हुआ देखकर तू हंस रही है, बेपरवाह जलील कमीनी मतलबी जादूगरनी। याद रख ए जादूगरनी मर्रिखा, याद रख, मैं भी जादूगर शहजादी शरारा गुल के साथ साथ बदरू डाइन भी हूं। मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर मेरा 21वां शौहर जिशान शादी की रात ही मर चुका होता तो मुझमें 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की जादुई ताकत आ जाती, फिर मैं तेरी मोहताज नहीं होती। जल्दी कर, अब जल्दी कर। सब्र कर। ऐसी हालत में सब्र के बाद कब्र है। मेरा राज खुल जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से कोई रास्ता बता, देर न कर, बाहर वो लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, अब जल्दी कर। क्या हुआ, तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? अरे भाई, किसका इंतजार हो रहा है? जाकर अपनी बहू बेगम से पूछिए जो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए देर कर रही है। जीशान, तुम्हारी बीवी ने हमें परेशान कर रखा है। वाकई तुम अपनी बीवी के हुस्न के गुलाम हो गए हो, उसे कुछ कहते नहीं? इसमें गुलामी की कोई बात नहीं अबूजान, वो किसी छोटे से मकान की रहने वाली तो है नहीं। अरे, गुर्जिस्तान की शहजादी है और शहजादियां नाजुक मिजाज और आराम पसंद होती हैं। अब वो लिबास बदलने में इतनी देर कर रही है तो इसमें ताजुब की कोई बात नहीं। भाभी जान को उनकी मौत का कोई गम नहीं है? हाँ भाईजान, भाभी जान को इतना तो सोचना चाहिए कि हम मरहूम अकरम भाईजान के घर जा रहे हैं। मख्तूल अकरम के घर जरूर जाओगी, मगर तुम नहीं, तुम्हारा पैकर जाएगा। नकली सोफोर निस्बा जाएगी, बहुत तुम्हारी शक्ल चाल ढाल वाली हसीन सोफोर निस्बा जाएगी। तबाक जिन हाजिर हो, तबाक जिन एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो, ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो। Thank you.
जिन हाजिर है, ऐ साहिरा मरिखा, ये ले पाक रूह और पाक जिस्म वाली दोशीजा। पाक जिन भी हाजिर है, हुक्म दे साहिरा मरिखा। हुक्म है, ठहरो। सोफोनिस्बा को, इस नकली सोफोनिस्बा को असली सोफोनिस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफोनिस्बा चली जाए तो असली सोफोनिस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। तामील होगी ऐ साहिरा मरिखा।
परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफू निजवा तो निहायत ही पाक साफ है, उसके जिस्म में कोई बदरू नहीं है, उसका जिस्म भी पाक है। मैंने अपने इन की शुआओं से उसकी रूह को पहचान लिया है। इसका मतलब है जिशान सच कहते थे कि सोफू निजवा तो जन्नत की हूर है, और मैं गलत कहती थी कि वो डायन है, बदरू है। या अल्लाह, ये कैसे गलत फहमी हो गई। जिशान मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सौतन बनकर बहुत दामन सोफू निजवा पर अपनी जलन हसद का कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन बहन आबिदा, तुम्हारे इल्म की शुआओं ने देखा कि वो सही है और सोफू निजवा का जिस्म शैतानी नहीं है, इंसानी है। तो फिर तुम्हारे मुखबिर ने ये कैसे ही दिला दी कि सोफू निजवा बदरू डाइन है और उसे शरारा गुल का जिस्म फेंक गया है। मैं भी हैरान हूँ और शर्मिंदा हूँ, ऐ दुख्तर आमिल आबिदा, कि मेरी इत्तला खबर गलत कैसे हो गई। बहिस्तान किले की शरारा गुल शहजादी जादूगरनी से लेकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने तक की मालूमात मैंने और मेरे मुखबिर गुलाम जिन्नातों ने खुद की है, फिर इतनी बड़ी गलती गलतफहमी कैसे हो सकती है। तुमने जो गलत मालूमात हमें दी है उसकी सजा तो हम भुगतेंगे। शायद किसी गलत फहमी की वजह से मरहूम अकरम भी सोफू निजवा को बदरू और डाइन समझ बैठे, और मैंने तो सोफू निजवा की शान में कितनी गुस्ताखियां कर डाली। अब तो जब तक मैं जिशान से मुआफी नहीं मांग लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुआफी की कोई जरूरत नहीं आबिदा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलत फहमी कैसे इंसान को इंसान से दूर कर देती है ये आज पता चला ना तुम्हें। जिशान, मैं एक बार फिर तुमसे मुआफी चाहती हूँ, और सोफू निजवा से भी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोफू निजवा, तुम्हारे बारे में मैं गलत समझती रही। जिशान, वाकई सच कहते थे, तुम तो जन्नत की हूर हो, पाकीज़ा हो, खूबसूरत हो। आबिदा, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं ऐसी नजर आती हूँ, वरना मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। आबिदा, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं इनकी मोहब्बत मुझे पागल न बना दे। जो लोग मोहब्बत में पागल होकर भी होश में रहते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। आबिदा, खुशनसीब तो तुम भी हो, इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत वो तुमसे भी करते हैं। शादी तो तुमसे ही होने वाली थी। मैं तो खामखा यूं ही बीच में टपक पड़ी। आबिदा, इसीलिए मैं तुमसे मुआफी चाहती हूँ, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। वाह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बस औरतों में यही एक खास बात होती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तावीज़ कैसा है तुम्हारे हाथों में? ये तावीज़ आपके तकिये के नीचे रखा हुआ था, कैसा है ये तावीज़? ओह, ये तावीज़ आबिदा के वालिदे बुजुर्गवार अमीन साहब का दिया हुआ रूहानी तोहफा है, इंसान को हर बला से महफूज रखता है, इसे मेरे तकिये के नीचे ही रख देना, सफर पर जाऊंगा तो पहन लूंगा। अफसोस, मैंने सोफू निजवा को कितना गलत समझा। अगर ये नापाक रूह होती तो इस पाक तावीज को हाथ लगाती ही उसके हाथ जलने लगते। क्या सोच रही हो आबिदा? कुछ नहीं, बस घर जाने की सोच रही हूँ। अगर सोच लो तो ये घर भी तुम्हारा हो सकता है, एक दिन मेरे खत का जवाब बनकर दुल्हन की शक्ल में इस घर में आ जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक शर्त पर, फिर जल्दी आना मिलने के लिए। अगर मैं ना आई तो फिर तुम मेरे घर आ जाना, मैं अपने अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान से मिलाऊंगी। सोफो, इनके भाई जान तोता है। अच्छा सोफो निजवा, मैं चलती हूँ।
जो कुछ तुमने सोफो निजबा के बारे में सुनाया सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ। और ताजुब की बात तो यह है कि आज तक हमने सोफो निजबा को देखा ही नहीं था। और मुझे तो इस बात पर ताजुब है अब्बा जान कि इंसान तो इंसान, क्या जिन्ना भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? बेअब तो बेटी सिर्फ खुदा की जात है। इंसान, हैवान और जिन्नात ये सब गलतियों के पुतले होते हैं। मैं अपने मुखबिर जिन से इस कदर नाराज हूं कि मैं अब उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। याद है तुम्हें उसने क्या क्या कहा था? हमें और तुम्हें कोहिस्तान की जादूगर शरारा गुल, बदरू डायन और जादूगरनी मरीखा का अजीबो गरीब जादू, क्या क्या कहा था? देखा मेरे अजीबो गरीब जादू का कमाल, इतना बड़ा आमिले कामिल मेरे धोखे के जाल में फंस गया, इतनी बड़ी आमिला आबिदा मेरे जादू की साजिश का शिकार होकर जिशान से माफी मांगने चली गई। सोफो निस्बा जिससे नफरत करती थी उस सौतन को उसने गले लगा लिया और असली सोफो निस्बा बदरूह डाइन अपनी डाइन चुड़ैल सहेलियों के साथ पुराने जंगल में है और नकली सोफो निस्बा जिशान के घर में अपनी शराफत और खिदमत से सबका दिल जीत रही है। और जब वो नकली सोफो निस्बा चली जाएगी और तू उसकी जगह वहां आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी, किसी को कोई शको शुभा नहीं होगा और इस तरह हम कामयाब होंगे। यही हमारी कामयाबी होगी। मौका मिलते ही आमिल और उसकी बेटी को खत्म कर डालेंगे और इस तरह पूरा होगा हमारा इंतकाम। इस तरह हम कामयाब होंगे। इस तरह जादूगरनी मरीखा, आज तक मैं तेरी वजह से ही कामयाब रही हूँ। मैं तुझ से, तेरे जादू से, तेरी साजिश से बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी तक मैं अपने 21वें शौहर जीशान को नहीं मार पाई। ना 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 जल्दबाजी ना कर वरना मारी जाएगी। पहले तुझे जिशान के माँ बाप, फिर उसके बहन भाई इमरान और मासूमा का खून पीना होगा और फिर उसके बाद तू जिशान को मार सकेगी। रात हो गई है और मैं अपना शिकार तलाश करने के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ ए मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है, कौन है आप? जिशान? सोफो निस्बा? तुम यहां? सोफो निस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर जिशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो आप मार दो। नहीं मार सकती,
उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं तो उसे अपने जहर से मार सकती हूं और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का तावीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो तावीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो तावीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही तावीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुंच सकता। सोफो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोफोनिस्बा। क्या बात है जिशान? सोफोनिस्बा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और आते ही सोफोनिस्बा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और खुद नहीं खाती, तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफोनिस्बा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि अब वही सोफोनिस्बा है। सच कहा अब्बा जान आपने, पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपने ख्वाबगाह में सोती रहती थी, शाम होते ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे गम और खुशी में शरीक हैं। घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारी बहू बेगम, मगर ये जिशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है, सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? कैसे, बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिले कस्तून से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई, मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था, मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ क्या राज है? नहीं, कुछ नहीं।
कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है? नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? ये डर और खौफ के आंसू हैं, जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला? तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैले और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं, और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो ये तावीज, तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी, जो तब्दीली तुम में अब आई है उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बहार आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफन, इस वक्त तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती? रात भर इबादत ही करती रहती हो। आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी? 40 दिन तक। 40 दिन तक मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया, इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बा जान, कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया, और फिर उसी इलाके में मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान और हमारे इल्म के मुताबिक जीशान की बीवी सोफो निजबा ने ही अकरम का खून किया है। क्या बात है भाईजान, आज आप इतना चहचहा क्यों? आबिदा बहन, तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम भी चहचहाने लगोगी। ऐसी क्या बात है, बयान कर। मैं हर जुमेरात की तरह आज भी हजरत नंदी मियां शाह बाबा के मजार शरीफ पर हाजिरी देने गया था। वहाँ मेरे बहुत से पसंदीदा दोस्त है, तो देख कबूतर कवे मिले। उन्होंने बताया कि मुखबिर जिन भी यहाँ मजार शरीफ पर हाजिरी देने आता है, उस दिन ने हमें बताया कि उसे अकरम की मौत का राज मालूम हो गया है। ये बात भाईजान को यानी मुझे बता देना, इसलिए आप दोनों से मेरी इल्तिजा है कि मुखबिर जिन को बुलाकर राज मालूम कर लो। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं उस नालायक मुखबिर जिन को कभी नहीं बुलाऊंगा, वो एतबार के काबिल नहीं, उसकी बात नामुकम्मल और मालूमात नाकारा है। उसकी की हुई गलतियों की सजा हमने भुगत ली है, हम शर्मिंदा हुए, पछताए, मुआफी मांगी, यहाँ तक कि जिशान और सोफो निजबा की नजरों में हम जलील हुए। इतना कुछ करने के बाद भी वो मुखबिर गैर जिम्मेदार नालायक हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है, मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। जब अल्लाह से कोई माफी मांगता है, तौबा करता है, बख्शीश मांगता है, तो अल्लाह भी अपने खताओं की खताएं माफ कर देता है, उसे बख्श देता है। तो हुजूर, फिर क्या आप अपने खतावार की खता माफ नहीं करेंगे? हाँ, मुआफ करेंगे। तो फिर हुजूर भलाइयों से वो आपके हुजूर में हाजिरी देना चाहता है, और आप उसे अकरम की मौत और सोफो निजबा की पूरे असर किरदार का पता चल गया है, वो सबूत के साथ साथ सब बातें पेश करेगा, उसे बुलाइए।
مشفق غاقا عامل کامل تیرا فتوار مخبر جن حاضر ہے, تو نے اپنے اس غلام جن کو معاف کیا یا نہیں؟ ہاں معاف کیا مخبر جن, اصلیت بتا. مظلوم اکرم اور صوفو نسبہ کے پورا سر کردار کی حقیقت بیان کر. حقیقت یہ ہے میرے آقا کہ اکرم کا خون صوفو نسبہ نے کیا اور صوفو نسبہ مطروح دائن ہے. مخبر جن تو پھر وہی بات کر رہا؟ میری وہی بات سچی ہے. زیشان کے گھر میں جو آج کل زیشان کی بیوی صوفو نسبہ بن کر رہتی ہے, وہ صوفو نسبہ نہیں بلکہ وہ ایک پاکیزہ پاک جسم کی لڑکی عصمت جہاں ہے. عصمت جہاں؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ثبوت میں وہ منظر دکھا دیتا ہوں جو منظر میری سچائی کا ثبوت ہے. عصمت جہاں ایک اللہ والے درویش کی پاک دامن بیٹی ہے. عصمت جہاں کا باپ اللہ والا درویش حضرت صدیق شاہ بابا کے مزار شریف کا خادم ہے. جب ناپاک روح والی ڈائن صوفو نسبہ اکرم کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی, تب جادوگرنی مریخا نے اپنے دو جن بلائے. تاب جن, تباب جن, ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو. تو وہ دونوں ناپاک جن مزار شریف میں بھی نہیں گھس سکتے تھے, اس لیے جب عصمت جہاں مزار شریف سے باہر نکل کر اپنے گھر جا رہی تھی تب داغ جن نے اسے اٹھا لیا اور جادوگرنی مریخا کے پاس لے کر آ گیا. جادوگرنی نے عصمت جہاں کی شکل بدل دی, شکل اور جسم اصلی صوفو نسبہ جیسا بنا دیا اور اسے زیشان کے گھر بھیج دیا. یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ عصمت جہاں نقلی صوفو نسبہ تو بن گئی لیکن اس کا دل اور روح اصلی صوفو نسبہ کی طرح نہیں بن سکا, کیونکہ وہ شیطان کی دشمن اور اللہ کو ماننے والی پاک جسم اور پاک روح والی جوان لڑکی تھی. وہ زیشان اور اس کے خاندان کی ہمدرد بن گئی اور اپنا وظیفہ پڑھنے سے اسے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ زیشان کی بیوی نہیں تھی, اسے اپنے آپ کو بچانا تھا. دوسرا یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ عابدہ کی مدد سے زیشان کے خاندان کو بچایا جائے, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناپاک شیطان کی طاقت ہمیشہ اللہ کے پاک نام اور کلام کے سامنے ہار جاتی ہے. آپ تو جانتے ہی ہیں. شاباش مخبر جن, شاباش, تیرا یہ کام قابل تعریف ہے. واقعی تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے مخبر جن, اب تو صاف سمجھ میں آ گیا. اور وہ نیک سیرت عصمت جہاں کا کردار تو واقعی ایک مثال ہے. وہ تو بالکل نہیں گھبرائی, حالات کی مجبوری میں بھی برے سے برے حالات کا مقابلہ کیا اور شیطانی طاقت کے خونی پنجوں میں پھنسے جیشان کے خاندان کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. وہ بدروح اصلی صوفو نسبہ کہاں ہے؟ پرانے محل کے کھنڈروں میں, اور پرانا جنگل اس کا ٹھکانہ ہے. وہ جنگل اس قدر خوفناک اور اس میں اتنا اندھیرا ہے کہ لوگ دن میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. لیکن میں جاؤں گی. نہیں جاؤ گی. جاؤں گی. جائے گی, ضرور جائے گی, اور اسے گرفتار کر کے لائے گی. اسے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے آقا, کیونکہ صوفو نسبہ کی جادوگرنی مریخا کے پاس بڑی شیطانی طاقت ہے. میرے پاس میرے اللہ کی طاقت ہے, میرے ایمان کی طاقت ہے. ہاں اللہ اور ایمان کی طاقت ہی شیطانی طاقت کو ہرا سکتی ہے. آج کل چاند کی چاندنی ختم ہو چکی ہے, اس راستے پر بالکل اندھیری رات کا سناٹا ہوگا, صرف شیطانی بجلیاں چمکتی رہتی ہیں. ایسے آسے بھی خوفناک ماحول میں
मुझ जैसे जल्लाद जिनको जाना चाहिए। तू न जा ऐ दुख्तरे आमिल, वो जंगल बड़ा खतरनाक है। खतरों से डरते रहे तो फिर फर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, और फिर किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा, तो क्यों ना मैं ये काम करूं? बेशक ये काम तुम ही करोगी, तुम्हारे पास रूहानी और जलाली इल्म के सारे हथियार मौजूद हैं। जो इंसान लड़ने से पहले लड़ने की तैयारियां कर लेता है, वो इंसान आधी लड़ाई तो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। वो बदरूह अल्लाह के बंदों का खून कर रही है, उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए, ये अल्लाह के बंदों और इंसानियत की खिदमत होगी। लो बेटी, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए जिंदगी और शैतानों के लिए मौत का निशान है। अब्बा जान, मुखबिर मददगार जन, मेरी कामयाबी की दुआ करना। ऐ हसीन नौजवान, क्या देख रहे हो? किसे तलाश कर रहे हो? पानी तलाश कर रहा हूं, बहुत प्यास लगी है। आओ मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूं। अपनी प्यास पानी से बुझाओगे या शराब से? पानी से। मगर तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहां हो तुम? कहां हो? मैं यहां हूं नौजवान। लो ये पानी पी लो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतने भयानक और खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? ये सब हमारी ही जगह है, यहाँ की सब चीजें हमें पहचानती हैं, तो फिर डर किस बात का? पानी तो पियो। अब पानी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी प्यास बुझ गई। मोती नजर आएगा, जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा। Thank you.
ہے میرے غلام مخبر جن، حاضر ہو، حاضر ہو۔ مخبر مددگار جن حاضر ہے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ دو شیطانی جن کوہستانی قلعے کی شہزادی صوفو نزبہ کو ہماری قید سے آزاد کر کے لے گئے ہیں، جاؤ ان کا پیچھا کرو۔ جو حکم میرے آقا۔ رک جاؤ، تم لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ مرخہ، ساحرہ مرخہ، میری ساحرہ مرخہ، میں بچ گئی، آزاد ہو گئی۔ میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آج میں تیری وجہ سے آزاد ہو گئی۔ اے میری زندگی کی مالک ساحرہ مرخہ، اب میں اپنے گھر جا کر اپنے شوہر، اپنی ساس، سسر، ننر اور دیور کو مارنے کی تدبیریں کروں گی، اور وہ تدبیر وہ ہوگی کہ تو اپنے شوہر کو سب سے آخر میں مارے گی، پہلے اس کے ماں باپ، بھائی بہن، خادم اور خادمہ کو مارے گی، اور ان کے قتل اور خون کا الزام عابدہ اور اس کے عامل باپ پر آئے گا۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا ساحرہ مرخہ، مگر اس کا کیا ہوگا؟ عصمت جہاں کا، جو میری جگہ صوفو نسبہ بن کر گئی ہے، اس کو جہاں سے لائے تھے وہی چھوڑ آئیں گے، اس کو تو نہیں مار سکتے، ورنہ اس کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا باپ مزار شریف کا خادم درویش ہے۔ چلو آؤ دیکھو کہ اس وقت نقلی صوفو نسبہ اور زیشان کیا کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیا ہوا، نیند ہی نہیں آ رہی۔ کیوں، کیا بات ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا؟ ہاں صوفو نسبہ، آپ کو کہانی سننے کا شوق ہے؟ بہت شوق ہے، بچپن میں میں اپنی دادی جان سے کہانیاں سنتا تھا، اگر تمہیں کوئی کہانی آتی ہو تو ضرور سنو۔ تو سنیے، ایک بہت خوبصورت شہزادہ تھا امان، وہ ایک بہت ہی سیدھی سادی لڑکی فریدہ سے پیار کرتا تھا، فریدہ بھی اس شہزادے امان سے بہت پیار کرتی تھی، اور ایک تھی چڑیل، بدرو ڈائن۔ کیا چڑیل، ڈائن، بری روحیں ہوتی ہیں کیا؟ ہاں ہوتی کیوں نہیں، ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے نے اپنے پاک علم سے اس بدرو کا جسم جلا دیا، وہ بدرو بغیر جسم کے یوں ہی بھٹکتی رہی، وہ بدرو اس اللہ والے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور ایک شیطان پرست جادوگرنی بھی اس اللہ والے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ بہت ڈراؤنی کہانی ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر
फिर उस जादूगरनी ने एक पहाड़ी शहजादी के जिस्म में उस बदरूह को दाखिल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस बदरूह के दाखिल होते ही पहाड़ी शहजादी जिंदा हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी गंदी जवानी और शैतानी हुस्न से उस शहजादे अमान को अपना दीवाना बनाकर उससे शादी कर ली। शादी कर ली? मगर शहजादे की महबूबा फरीदा का क्या हुआ? फरीदा को उस बदरू डायन का सब राज मालूम था। वो अपने शहजादे अमान को उससे बचाना चाहती थी। वो बदरू पहाड़ी शहजादी इंसानों का खून पीती थी। खून पीती थी? हाँ, उसने उस शहजादे अमान के एक रिश्तेदार का भी खून पी लिया था। खून पी लिया? हाँ, क्योंकि उस रिश्तेदार को उस बदरू डाइन का सब राज मालूम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर जादूगरनी ने एक शरीफ पाक दामन लड़की को उस पहाड़ी शहजादी का हमशक्ल बनाकर भेज दिया। हमशक्ल बनाकर भेज दिया? हाँ। बहुत खूब। फिर? हाँ, हूबहू उस शहजादे अमान की बीवी की तरह उस शरीफ पाक दामन लड़की ने जब उस शहजादे के खानदान को देखा तो उसे उस शहजादे से हमदर्दी हो गई और उसने उस शहजादे अमान को बचाने का फैसला कर लिया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है और खौफनाक भी। इसका अंजाम क्या हुआ? आप ही बताइए, इस कहानी का क्या अंजाम होना चाहिए? वो जो हम शक्ल आई है उसे सब राज मालूम है, इसलिए उसका ये फर्ज है कि वो शहजादे उसके माँ बाप सभी को ये राज बता दे, ताकि वो सभी लोग उस बदरू डायन से बच जाएं और उस बदरूहों को उस अल्लाह वाले के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो उस डायन को सजा दे सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इस कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। सोफो निस्बा, तुम्हें ये कहानी कैसे मालूम हुई? वो सुबह बखैर हुजूर, गुस्ताखी मुआफ, सुबह हो गई है और सौदागरों का कारवां रवाना होने वाला है। मेरे कारवां हुजूर से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई वाह, ये भी खूब रही। सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सोफो निस्बा, तुम्हारी कहानी ने तो बिल्कुल हमारी नींद ही उड़ा दी। हम अभी आते हैं, फिर बताना तुम्हें ये कहानी मालूम कैसे हुई। जरूर बताऊंगी, पहले आप वापस आ जाइए, फिर। हाँ हाँ जरूर, हम अभी आते हैं, चलो। आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूं और सोफो निस्बा क्या है। अब वक्त आ गया है, मैं सब राज जिशान, आमिले कामिल और आबिदा को बता दूंगी। सारी कोशिश, मेहनत और कामयाबी एक जरा से बेपरवाही से बेकार हो गई। पिंजरा टूट गया और सोफो निस्बा भाग गई। अब सोच रही हूँ कि उस बदरू डाई सोफो निस्बा को फिर से कैसे गिरफ्तार करूं। जहां से पहले गिरफ्तार किया था, अब वो वहां नहीं जाएगी। ऐसी बदरूहें अपना ठिकाना बदल देती हैं। वो चाहे लाख ठिकाने बदले, मैं उसको गिरफ्तार करके सजा देती रहूंगी। सोफो निस्बा के भाग जाने से मेरे सारे ख्वाब चूर चूर हो गए हैं। सोचा तो ये था कि उस नेक सीरत इस्मत जहां के साथ मिलकर जिशान को सब राज की बातें बताऊंगी और उस बदरू डाइन सोफो निस्बा की असली शक्ल दिखाऊंगी और फिर उसे सजा दूंगी, ताकि वो जिशान के घर में वापस कभी ना आ सके, कभी नहीं। सोफो निस्बा, मैं आ गई हूं, चल निकल यहां से, जा बाहर जा। ताक जिन, तबाक जिन, हाजिर हो। Ha 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 ha!
वो ही तुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, अब वो ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जा बाहर जा, तू बाहर जा, तू निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। अब चुड़ैलों और डायनो के भी घर होने लगे तो जैसी चुड़ैलों और डायनो का घर तो बर्बाद, उजाड़ और वीराना होता है, ये तो आबाद हरा भरा घर है। हरे भरे आबाद घर को उजाड़ और वीराना बनाने के लिए ही तो हम घर में कदम रखती हैं। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, ये तो मशहूर मिसाल थी। तूने तो वो मिसाल भी गलत साबित कर दी है। तू कैसी कमीनी गिरी हुई डायन है कि तूने तो वो घर भी नहीं छोड़ा जिस घर के आदमी के साथ तेरी शादी हुई है। तू तो उस पाक मुकद्दस रिश्ते की आड़ में अपने शौहर को मारना चाहती है। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, वो तुम जैसी शरीफ औरतों के लिए होता है। हम जैसी बदमाश, बदचलन, आवारा, हवस परस्त औरतों के लिए नहीं। हम तो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए और हंसते मुस्कुराते खानदान को मौत की नींद सुलाने के लिए ऐसा ढोंग रचाती है कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता। अभी तुझ पर शक हो जाएगा, अभी मैं जीशान को बताती हूँ, सबको बताती हूँ। नहीं, तबाब जिन, तबाब जिन, इस लड़की से मेरी शक्ल छीन लो, जल्दी से छीन लो और इसे इसकी असली शक्ल वापस दे दो। नहीं, तू घर में जा, इधर मैं इन दोनों जिनों को गायब कर दूंगी और फिर देख, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये चोर लड़की कहां से आ गई जो मेरे हीरे मोतियों के जेवरात चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तू सच्चाई बयान भी करेगी ना तो कोई तेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। देख, अब मैं चिल्लाती हूँ। नहीं, 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 ऐसा मत करना, इस शक्ल में तो मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो खुद अपने ही जाल में फंस गई। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बातों का ऐसा जाल डाल के जा रही हूँ कि तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी और तू खुद उसमें फंस जाएगी। या अल्लाह, इस खानदान की हिफाजत करना, इस डाइन से सबको बचाना। खुदा हाफिज जीशान, खुदा हाफिज। अरे भाई, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? क्या फिर वजीफा पढ़ने का वक्त हो गया? लेकिन रात को तो तुमने वजीफा पढ़ा है। वजीफा रात? अरे भूल गई क्या? नहीं, कोई और बात करो। ना ना ना, नहीं सोफोन इस बार नहीं, ना अब कोई और बात नहीं होगी। मैं कह रहा था, जो मैंने सोचा है, लाख वो डाइन अपने आप को छुपाए लेकिन उसे चौराहे पर खड़ा करके लोगों के सामने ही सजा दी जाएगी। मैंने तो उसे पहचान लिया है, फिर लोग भी उसे पहचान लेंगे कि वो इंसान नहीं, डाइन है। नहीं। अरे सोफो, खुद ने ही ऐसी डरावनी कहानी सुनाई और खुद ही डर गई। अरे भाई, ये तो बता दो, ये कहानी तुम्हें मालूम कैसे हुई? अंजाम तो मैंने बता दिया। अंजाम? डाइन का अंजाम? और कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी? सोफो, सोफो निस्बा। हाँ, हाँ। अभी हम आराम कर रहे हैं, दोपहर को मुलाकात करेंगे। ये भी क्या हुआ जिशान? अरे कुछ नहीं अम्मी जान,
सोफो निस्बत तमाम रात हमें एक डायन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा, तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डायन के नाम से खुद ही डरकर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई हैं। आपको तो बहू बेगम सोफो निस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है। अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबियत हुई तो बात की, तबियत नहीं हुई तो नहीं की। मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं। आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफो निस्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफो निस्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफो निस्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का यह वहम आमिले कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ, और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था, और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफो निस्बा बनकर रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास, सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ मेरे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, कुतुब खाने में कितनी किताबें हैं, और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रसमूल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसे का वैसा ही मैं आज लिखकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है, जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफो निस्बा और इस्मत जहाँ की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी, और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जीशान को भी होश आ जाएगा, और वो सोफो निस्बा के असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा, और हम उसे सजा देंगे। सजा वहम सच निकला, तू बदरूर चुड़ैल डायन है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था,
जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मार डालती हूँ उसे। इसीलिए मैंने अकरम को भी मार डाला था, उसका खून पी लिया था मैंने। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? अभिजान, ये क्या हो गया? सुशान, ये क्या हो गया? अभिजान, ये क्या हुआ? अभिजान, जिशान, उधर जिशान, देखो घर में कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। क्या? हाँ, घर में कुछ हो गया है, उठो, क्या हुआ? देखो, देखो। इमरान, जा बेटा जल्दी से हकीम साहब को बुला लो। अभी जान आखिर मेरी सौतन ने मेरी सास की जान ले ही ली। किसने सोफन इस बात किसने बताओ मुझे, किसने मारा है मेरी अम्मी जान को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ। आबिदा ने। आबिदा? आबिदा? आमिल कामिल की बेटी आबिदा? हाँ, आमिल कामिल की बेटी आबिदा ने। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगी? हसद और जलन की वजह से उसने ऐसा किया। वो मेरा नाम बदनाम करने आई थी। वो अम्मी जान से कह रही थी कि सोफो निस्बा को तलाक दिलवा दो और मेरी शादी जिशान से करवा दो। बस मैंने तो इतना ही सुना और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मेरा अंदाजा है कि जब अम्मी जान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा तो उसने गुस्से में आकर अम्मी जान का खून कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि अकरम भाई का खून भी उसी आबिदा ने किया होगा। आज आबिदा के साथ एक लड़की इस्मत जहां भी यहां पर आई थी, वो कह रही थी कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं सुफ और निस्बा की हम शक्ल बनकर इसी घर में रहती थी। ये तो मुझे मालूम है कि अम्मी जान ने इमरान भाई जान को आबिदा आपा को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आज तो आबिदा आपा आई नहीं। आई थी आबिदा, यहाँ पर आई थी जब आप सब लोग अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो गए थे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ इस खून की जिम्मेदार। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिशान से शादी करती और ना वो आबिदा इस खानदान की दुश्मन बनती।
मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं डाइन हूँ। अपनी अम्मी जान को मैंने मार डाला। लोगों से कहो कि मुझे सजा दे। चौराहे पर खड़े होकर मुझे पत्थर मारे। मेरी सास तो मेरी माँ की तरह थी। उसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? ईशान, सबर करो हुजूर बहु बेगम। अगर आप अपने आप को संभालेंगी नहीं तो इमरान और इस मासूमा बेटी का क्या होगा? इन्हें कौन तसल्ली देगा? अम्मी जान। शाबाश सोफोनिस्बाश, शाबाश। तूने तो मक्कार औरतों के नाम पर चार चांद लगा दिए हैं। खुद ही सास को मार डाला और खुद ही उसकी मौत का मातम मना रही है। शाबाश आबिदा। अब इस खून का इल्जाम आबिदा के सर आ जाएगा। तूने ये झूठ बड़ी समझदारी से बोला है, समझदारी से बोला है। आबिदा जब जिशान के घर उसकी माँ की मौत का पुरसा देने जाएगी तो जिशान ये कहेगा कि ये तावीज कंधे करने वाले लोग आमिल और उसकी बेटी आबिदा ने ही उसकी माँ को मार डाला है। जिशान आबिदा को ही कातिल समझेगा। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ? मैं और मेरे अब्बा जान तो जरूरतमंद परेशान हाल लोगों की मदद और खिदमत अल्लाह के कलाम से करते हैं। और हम अपनी इस खिदमत के लिए कोई कीमत नहीं लेते और न ही इस खिदमत के लिए कोई कीमत लेनी चाहिए। बाजारों में दुकान खोलकर बैठने वाले गुनहगार, तावीज और गंडे बेचने वाले आमिल नहीं है हम। तुमने ये इल्जाम लगाकर हम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं हूँ इसका जिंदा सबूत, इस घर की बहू बेगम सोफोनिस्बा। तुम इस लड़की के साथ कल रात यहाँ पर आई थी। कल रात को हम यहाँ आए थे? ये बिल्कुल झूठ है। हम तो आज आने वाले थे। आज अम्मी जान की मौत का पुरसा देने के लिए? आबिदा, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि तुम कल रात ही यहाँ पर आकर अम्मी जान पर हमला करके उन्हें मार दोगी और फिर दूसरे दिन इजहारे ताजियत के लिए यहाँ पहुँच जाओगी और किसी को तुम पर कोई शक भी नहीं होगा। चालाक आबिदा, तेरी ये चाल बेकार हो गई है। मैंने तुझे पहचान लिया है कि तू कितनी मक्कार और पत्थर दिल औरत है, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह रहम करे, ये बिल्कुल झूठ बोली है जिशान। अब्बा जान, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कल रात यहाँ नहीं आई थी। लेकिन जिशान की अम्मी जान ने तुम्हें कल बुलाया था? हाँ बुलाया था, इमरान हमारे यहाँ आया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, आबिदा अपन ने कल रात नहीं बल्कि आज यहाँ आने के लिए कहा था। इसीलिए कहा था कि इस पर किसी को शक भी ना हो और ये रात को ही आकर खून करके चली जाए। ये सब झूठ है, गलत है सब कुछ। मैं अपनी मातरम बुजुर्ग हस्ती अम्मी जान का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी तलाक की बात को नहीं माना था। आबिदा यहाँ आई नहीं तो फिर तलाक की बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने भी कल रात आबिदा आपा को यहाँ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा था जब आप सब लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अब्बा जान, जिशान, आप सब लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोफोनिस्बा झूठ नहीं बोल रही है, भला वो क्यों झूठ बोलेगी? अरे वो तो मेरी अम्मी जान से इतना प्यार करती थी कि एक शहजादी होते हुए भी मेरी अम्मी जान के पैर दबाती थी, बावर्ची खाने में खाना पकाती थी, वजू के लिए पानी रखती थी, रात रात भर वजीफे पड़े हमारे खानदान की भलाई के लिए। वो सोफोनिस्बा ये नहीं, ये थी ये। अच्छा ये थी, ये है वो सोफोनिस्बा
देखा अब्बा जान, देखा जिशान, मकारी की हद हो गई, बेशर्मी की इंतहा हो गई। ये तो खिदमत मैंने की, और नाम आबिदा इस अजनबी लड़की का ले रही है जिसे दूसरी बार मैंने देखा है। कल रात मैंने इसे पहली बार देखा था। क्या आप लोगों में से किसी ने इस लड़की को यहां देखा था? जवाब दीजिए, बोलिए, पहचानिए, शायद देखा हो। जवाब दीजिए कि आप सब लोगों में से पहले कभी किसी ने इस लड़की को यहां पर देखा है? सुफन इस बात सच कहती है, मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखा है। आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को देखा है। मैं इसमें चाहा हूँ, आप लोगों ने कभी मुझे पहले इस शक्ल में नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले जादूगरनी ने मेरी शक्ल सोफन इसबा की शक्ल से बदल दी थी और मैं हम शक्ल सोफन इसबा बन गई थी। हम शक्ल सोफन इसबा शक्ल बदल दी थी? इस्मत जहां से सोफो निस्बा बना दिया? हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? क्या सबूत है इसका? बहुत से सबूत हैं। पहला सबूत, क्योंकि मैं आपकी बीवी नहीं थी इसलिए हमेशा वजीफे का बहाना बनाकर मैं आपके बिस्तर से दूर रहती। दूसरा सबूत, आप सब लोग मेरी खिदमत मेरे बदले हुए रवैये से बहुत खुश थे। तीसरा सबूत, मैं बता सकती हूँ कि आपके खानदान की दौलत तय खाने की दीवार में छिपी है। ये सब इस लड़की ने, तुम चुप रहो, इसे बोलने दो। सबूत है वो कागजात जिसमें अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का सारा हिसाब लिखाती थी। मैं आपको अपनी लिखाई अभी दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ की लिखावट, मैं आज भी उसी रसमूल खत में लिख सकती हूँ। ये सब इस लड़की ने उस आबिदा की जादू से सीखा है। हम नापाक जादू और काला इल्म नहीं करते, हम अल्लाह के पाक कलाम का अमल करते हैं। और जादू, जादू तो तुम जैसी बदरूहों को पालने वाली जादूगरनी मर्री खा करती है। ऐ अजनबी लड़की इस्मत जहां, तुम्हारी कुछ बातें बहुत सच्ची हैं। तुम और कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो जिससे जिशान को यह यकीन हो जाए कि सोफो निजबा की शक्ल में इस्मत जहां ही थी? हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ, और वो सबूत है वो कहानी, वो हकीकी कहानी जो मैंने जिशान को सुनाई थी, और जिशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया, ये बात बिल्कुल सच है। वो कहानी सिर्फ मुझे और सोफो निस्बा को मालूम थी जो उन दिनों मेरे पास थी। अगर वो सोफो निस्बा इस्मत जहां थी तो ये सोफो निस्बा कौन है? ये बदरू डाइन है, तुम्हारे खानदान को खत्म करने और तुम्हारा खून पीने आई है। नहीं जिशान, नहीं, ये हसद और जलन की वजह से ऐसा बोल रही है क्योंकि इसकी शादी तुमसे नहीं हुई। अभी सबके सामने मैं अपने इन से बता देती हूँ कि यही बदरू डाइन है। जिशान, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू बेगम
जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ये शक्लों का बदलना, नामों का बदलना, ये सब मैंने आबिदा के कहने से किया था। और इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ ये है कि सोफोनिस्बा तुम्हारे दिल से निकल जाए, तुम इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो और इस आबिदा से शादी करके इसे इस खानदान, इस घर की बहू बेगम बना लो। ये झूठी है, मक्कार है, ये मेरा इसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शैतानी सिफली काले इनके गुलाम है और मैं रूहानी रहमानी और जलाली इनकी खादिमा हूँ। शैतान इसका सरपरस्त है और ये सोफोनिस्बा की सरपरस्त है। ये अपना जुर्म, गुनाह, धोखा और मक्कारी छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। कौन है तू? मैं लाचार इंसानों की मदद करने वाली साहिरा मुश्तरी हूँ। ये मुश्तरी नहीं है, मर्रिखा है, इंसानों को लाचार करने वाली। तुझे लाचारी से बचाने आई हूँ जिशान। सोफोनिस्बा को फौरन इसके सामने से हटा दे, वरना ये इस पर अपना जादू करके इसे यहाँ से भगा देगी। वो देखो आग, फौरन इसमें जहां आबिदा और उसके बाप को घर से निकाल दो, वरना सारा घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। ये आग मैंने नहीं, इसने लगाई थी, इसने। बस बस जाओ, चले जाओ यहां से। आबिदा, आमिल, इस्मत जहां, दफा हो जाओ यहां से। और खबरदार, अगर मेरी बीवी सोफोनिस्बा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। फरेबी, दगाबाज, शैतान, जादूगर। जिशान, तमीज से पेश आओ। आप लोग यहां से चले जाइए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम माफी चाहते हैं। जाओ जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। जो कुछ सोचा था नहीं हुआ। हमारे पास सबूत तो बहुत सारे थे, बहुत मजबूत भी थे, लेकिन हमारी तरह हमारा दुश्मन भी पूरी तैयारी करके आया था। अरे, मैंने जिशान को तो पूरी तरह कायल कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर जादूगरनी ने आकर हमारी सारी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया। हमें अपनी इस नाकामी से सबक हासिल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हम नाकाम हुए, और उस कमी को दूर करके हम अपनी इस नाकामी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, नाकामी इंसान को कामयाब होने का पहला सबक सिखाती है। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे, और हमारी ये कामयाबी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अल्लाह के बंदों को उस खूनी टाइम से बचाना ही सबसे बड़ा नेक काम है। भाईजान, वो जादूगरनी का मन उस होता अपने दोस्तों के साथ कल से पुराने पेड़ की डालियों पर नाच रहा है, कूद रहा है, अपने बाल की तारीफ किया जा रहा है। तुम्हारे सामने? नहीं नहीं, मैं तो ज्यादा दूरी पर टहनियों के पत्तों के आड़ में छुप कर बैठा हुआ था। वो मेरे सामने तो आता ही नहीं, उसे मालूम है मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए डरता है। अब जल्दी से खास बात बताओ, क्या है? खास बात ये है कि जादूगरनी के मनहूस होते से जब उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम घर में क्या है, तो उसने कहा आजकल मेरी मालकिन जादूगरनी अपनी नायन सोफोनिस्बा के घर मेहमान है।
जब तक उस घर में कोई और मर नहीं जाता, जादूगरनी अपने घर नहीं जाएगी। खबर तो उसने बिल्कुल सही दी है। जब तक उस घर में कोई और नहीं मर जाता, जादूगरनी अपने घर नहीं आएगी। निशान के अब्बाजान को खत लिखकर बाग में बुलवाओ और समझा दो कि रात के वक्त अपने और अपने बच्चों के कमरे के दरवाजे बंद रखें, चाहे कोई कितनी ही आवाजें क्यों ना दे, खोले नहीं। हाँ, और हम उनको वो सब भी बता देंगे जो उस दिन हम सोफा निस्बा के संग नहीं बता पाए। मैं अभी आई अब्बाजान। अब्बाजान, आप बाग में आइए, जरूरी बात। अबिदा, भाईजान, किसी तरह ये खत जिशान के अब्बाजान तक पहुंचा दो। जाओ भाईजान। अब्बाजान, आप बाग में आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। आबिदा। आपको जरूरी बात समझानी है। आबिदा, आबिदा। मेरी बेटी, हमारा घर बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उस दिन तुम्हारी और इस्मत जहां की बातों से मुझे यकीन हो गया कि हमारे घर में सोफा निस्बा इंसान नहीं, एक डायन है। बदरू डायन है, डायन।
निशान। बात क्या है? आप जल्द से जल्द बाग में पहुंचने की कोशिश कीजिए, वहीं चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बात क्या है बताते क्यों नहीं तुम? आप आइए आइए, आप जल्दी मेरे साथ आइए। अरे लेकिन अब्बाजान, अब्बाजान ये क्या हो गया? ये सब किसने किया अब्बाजान? अब्बाजान ये सब कैसे हो गया? अब्बाजान ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? अब्बाजान बोलिए अब्बाजान। अब्बाजान 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 क्या हुआ? अब्बाजान अब्बाजान क्या हुआ? कुछ तो बोलो अब्बाजान, किसने तुझे मारा? अब्बाजान खूनी कातिल, पहले तूने मेरी अम्मी जान की जान ली और आज आज मेरे मेरे अब्बू जान को मार डाला और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए रोने का तमाशा कर रही है। सलील तूने खून किया है, तूने खून किया है। नहीं नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ, ये कत्ल जरूर सोफोन इस बात ने किया है। अरे सोफोन इस बात तो घर में सो रही है, तू झूठी है, जरूर तूने ही मारा मेरे अब्बू को, तूने ही। नहीं जीशान नहीं, अल्लाह की कसम। नहीं अल्लाह की झूठी कसम ना खा, ना खा अल्लाह की झूठी कसम। तू खूनी है, तू झूठी है, मक्कार है, जलील है, कमीनी है, तू खूनी है, मक्कार है। अरे मैंने तुझसे शादी नहीं की तो तू तू मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करने पर तुली है। नहीं जीशान नहीं, नहीं। पहले तूने मेरे अम्मी की जान ली, अब मेरे अब्बू को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। निशान ये क्या कर रहे हो निशान? आबिदा बेगुनाह है, उसे मारकर गुनहगार ना बनो। सबसे पहले तुम्हारे अब्बू जान को इस हालत में मैंने देखा था, तब तो आबिदा यहाँ नहीं थी, और फिर जब मैं तुम्हें खबर देने के लिए आया तो उस वक्त आबिदा मुझे रास्ते में आती हुई मिली थी। मेरा यकीन करो जीशान, आबिदा बेगुनाह है। मगर इस वक्त आबिदा यहाँ क्या करने आई थी? पूछो इसे क्या करने आई थी। तुम नहीं जानते भगवान, अकरम को भी इसी आबिदा ने मारा था। उस दिन भी वो यहाँ मौजूद थी, मुझसे मिली थी और आज भी यहाँ मौजूद है। इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है? बोलो बोलो क्या कर रही है? मेरी बात सुनो जीशान, सब्र करो, ये वक्त बातें करने का नहीं है। आओ अपने अब्बू जान को उठाओ। आओ मुझे मालूम था जब तक उस घर का कोई नहीं मरेगा तू नहीं आएगी। तूने ठीक समझा, हर बुरे काम को सोफो निस्बा बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रही है। जिस दिन ने सोफो निस्बा को पहचान लिया कि वह एक बदरू डायन है, उसको सोफो निस्बा ने मार डाला, अब तुझसे भी बड़ी डायन बन जाएगी। नहीं मुझसे बड़ी कोई नहीं बन सकती, मुझसे बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। उसी ने मुझसे कहा था कि जिस दिन अपने 20 शौहरों की कातिल सोफो निस्बा अपने 21वें शौहर को मारकर अजीम साहिरा बन जाए तो मैं उसे मार डालूं। शरारा गुल सोफो निस्बा को मार दोगी? हाँ हाँ, शरारा गुल सोफो निस्बा को मार डालूंगी ताकि उसके 21 शौहरों के रूहों की जादुई ताकत मुझ में आ जाए। उस बदरू डायन को तुमने बाला परवरिश किया? हम शैतान इब्लिस परस्त जिन्हें पालते हैं उन्हें अपने जरा से फायदे के लिए मार भी डालते हैं। हम शैतानों का कोई किरदार नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता, इसीलिए सब शैतान आपस में एक दूसरे से डरते हैं। अच्छा? हम कितने चालाक कमीने होते हैं ये तो तुमने देख ही लिया होगा।
कि हातिल सोफो निजमा बड़ी शान से मकतूल के घर में बैठी रहेगी और सजा मिलती रहेगी आबिदा को, आबिदा को। बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। मेरी दुश्मन डाइन बदरू सोफो निजमा ने हर कदम पे हराया है मुझे, और वो हर कदम कदम पे कामयाब रही है। अब्बा जान, आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा? मैं ये नाकामी और ये बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? जो कुछ बर्दाश्त किया है अल्लाह उस सब्र का फल अच्छा ही देगा बेटी। लेट जाओ, आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मत सोचो, फिक्र मत करो। हम दुश्मन से लड़ने की तैयारी फिर से करेंगे। मैं अभी भी तैयार हूँ लड़ने को। नहीं नहीं बेटी, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो। रंज है और ना ही अपने बाप की मौत का गम है। तुम अपनी खुशी में मस्त होकर इस खूबसूरत बला की जुल्फों से खेल रहे हो। बदतमीज, गुस्ताख, हमारी ख्वाबगाह में हमारी इजाजत के बगैर तुम आई कैसे? हाँ, मौत का भी इजाजत लेकर नहीं आती जिशान। और तू बदरू डाय, तूने मेरी जिंदगी के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया है। नहीं, नहीं। और आज मैं तेरे ख्वाबगाह में आकर तेरे ख्वाबगाह के महल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जिशान, रोको इसे। लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मर्द के सामने औरत कमजोर और हकीर है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, समझी? जा। औरत को कमजोर समझने वाले बेवकूफ, देख देख औरत की ताकत देख। ये तेरी बीवी सोफो निजमा भी, वो भी एक औरत है। उसके पास बदी की ताकत है, और मैं भी एक औरत हूँ, मगर मेरे पास नेकी की ताकत है। औरत तो हर हाल में ताकतवर होती है, हर हाल में। बुरी औरत बुरे से बुरे हालात में मरती है, और अच्छी औरत अच्छे हालात में। और ये सोफो निजमा भी तो एक ताकत ही है, जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर एक नशा बनकर छाई हुई है। मैंने तुमसे कहा था जिशान, कहा था मैंने तुमसे कि ये तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगी, बर्बाद। मगर नहीं, नहीं, तुम्हारी आंखों पर इसके हुस्न का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। जिशान, जिशान, इसे घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे घर से। आबिदा, आबिदा सुन, चली जा यहाँ से, जा चली जा, मैं कहता हूँ चली जा, वरना मैं तुझे बेइज्जत करके यहाँ से निकालूंगा। जा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं, मगर अकेली नहीं जाऊंगी, इस बदू डायन बदू सोगो शरारा गोल को लेके जाऊंगी। नहीं, नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो। जिशान, मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़ दे अपिता, मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़। जिशान, जिशान बचाओ मुझे। तुझे तो मैं बाजारों और रास्तों पर लेके जाऊंगी। डायन की चोटी पकड़ो तो ही वो काबू में आती है। छोड़ दे। अरे तू इंसान है या जानवर? छोड़ इसे, छोड़। जानवर के साथ जानवर जैसी पेश आना चाहिए। क्या सबूत है कि बदरू डायन है? सबूत, सबूत चाहिए तुझे? ये देखो सबूत, ये है सबूत। जिशान, रोको इसे, जिशान, जिशान इसे रोको। Oh!
मैं तुझे और तेरे खानदान को आमिल आबिदा, मैं तुझे और तेरे खानदान को खत्म कर दूंगी। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। आबिदा, आबिदा, क्या हुआ बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? जिशान कहाँ है? सोफो निजमा कहाँ है? और वो मुकद्दस निशान, चांद तारा कहाँ है? इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दफ्तर आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा, फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरू डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। मुझे यहाँ फंसा हुआ देखकर तू हंस रही है? बेपरवाह, जलील, कमीनी, मतलबी जादूगरनी, याद रख ए जादूगरनी मरिखा, याद रख, मैं भी जादूगर शहजादी शरारा गुल के साथ साथ बदरू डाइन भी हूँ। मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर मेरा 21वां शौहर जिशान शादी की रात ही मर चुका होता तो मुझमें 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की जादुई ताकत आ जाती, फिर मैं तेरी मोहताज नहीं होती। जल्दी कर, अब जल्दी कर। सब्र कर। ऐसी हालत में सब्र के बाद कब्र है। मेरा राज खुल जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से कोई रास्ता बता, देर न कर, बाहर वो लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, अब जल्दी कर। क्या हुआ, तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? अरे भाई, किसका इंतजार हो रहा है? जाकर अपनी बहू बेगम से पूछिए जो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए देर कर रही है। जीशान, तुम्हारी बीवी ने हमें परेशान कर रखा है। वाकई तुम अपनी बीवी के हुस्न के गुलाम हो गए हो। उससे कुछ कहते नहीं? इसमें गुलामी की कोई बात नहीं अबूजान, वो किसी छोटे से मकान की रहने वाली तो है नहीं। अरे गुर्जिस्तान की शहजादी है और शहजादियां नाजुक मिजाज और आराम पसंद होती हैं। अब वो लिबास बदलने में इतनी देर कर रही है
तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। भाभी जान को उनकी मौत का कोई गम नहीं है? हाँ भाई जान, भाभी जान को इतना तो सोचना चाहिए कि हम मरहूम अकरम भाई जान के घर जा रहे हैं। मक्तूल अकरम के घर जरूर जाओगी, मगर तुम नहीं, तुम्हारा पैकर जाएगा। नकली सोफो निस्बा जाएगी, हूबहू तुम्हारी शक्ल, चाल ढाल वाली हसीन सोफो निस्बा जाएगी। तबाब जिन हाजिर हो, तबाब जिन एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो, ताक जिन तबाब जिन हाजिर हो। तबाब जिन हाजिर है, ऐ साहिरा मारिखा, ये ले पाक रूह और पाक जिस्म वाली दोशीजा। ताक जिन भी हाजिर है, हुक्म दे साहिरा मारिखा। हुक्म है, ठहरो। सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। तामील होगी ऐ साहिरा मारिखा। Yeah.
सोफोन इज़बा को छोड़ कैसे दिया? ऊपर आसमान में मुखबिर मददगार जिन तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ हैरान परेशान खड़ी हो। परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफोन इज़बा तो नहायत ही पाक साफ है, उसके जिस्म में कोई बदरू नहीं है, उसका जिस्म भी पाक है। मैंने अपने इल्म की शुआओं से उसकी रूह को पहचान लिया है। इसका मतलब है जिशान सच कहते थे कि सोफो निजवा तो जन्नत की हूर है, और मैं गलत कहती थी कि वो डायन है, बदरू है। या अल्लाह, ये कैसे गलत फहमी हो गई? जिशान मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सौतन बनकर बहुत दामन सोफो निजवा पर अपनी जलन हसद का कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन बहन आबिदा, तुम्हारे इल्म की शुआओं ने देखा कि वो सही है और सोफो निजवा का जिस्म शैतानी नहीं है, इंसानी है। तो फिर तुम्हारे मुखबिर ने ये कैसे ही दिला दी कि सोफो निजवा बदरू डाइन है और उसे शरारा गुल का जिस्म फैल गया है? मैं भी हैरान हूँ और शर्मिंदा हूँ ऐ दुख्तर हामिल आबिदा, कि मेरी इत्तला खबर गलत कैसे हो गई। बोहिस्तान किले की शरारा गुल शहजादी जादूगरनी से लेकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने तक की मालूमात मैंने और मेरे मुखबिर गुलाम जिन्नातों ने खुद की है, फिर इतनी बड़ी गलती गलत फहमी कैसे हो सकती है? तुमने जो गलत मालूमात हमें दी है उसकी सजा तो हम भुगतेंगे। शायद किसी गलत फहमी की वजह से महरूम अकरम भी सोफो निजबा को बदरू और डाइन समझ बैठे, और मैंने तो सोफो निजबा की शान में कितनी गुस्ताखियां कर डाली। अब तो जब तक मैं जिशान से मुआफी नहीं मांग लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुआफी की कोई जरूरत नहीं आबिदा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलत फहमी कैसे इंसान को इंसान से दूर कर देती है ये आज पता चला ना तुम्हें? जिशान, मैं एक बार फिर तुमसे मुआफी चाहती हूँ और सोफो निजवा से भी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोफो निजवा, तुम्हारे बारे में मैं गलत समझती रही। जिशान, वाकई सच कहते थे, तुम तो जन्नत की हूर हो, पाकीज़ा हो, खूबसूरत हो। आबिदा, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं ऐसी नजर आती हूँ, वरना मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। आबिदा, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं इनकी मोहब्बत मुझे पागल न बना दे। जो लोग मोहब्बत में पागल होकर भी होश में रहते हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं। आबिदा, खुश नसीब तो तुम भी हो, इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत वो तुमसे भी करते हैं। शादी तो तुमसे ही होने वाली थी। मैं तो खामखा यूं ही बीच में टपक पड़ी। आबिदा, इसीलिए मैं तुमसे मुआफी चाहती हूँ, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। वाह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बस औरतों में यही एक खास बात होती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तावीज कैसा है तुम्हारे हाथों में? ये तावीज आपके तकिए के नीचे रखा हुआ था, कैसा है ये तावीज? ओह, ये तावीज आबिदा के वालिदे बुजुर्गवार अमीन साहब का दिया हुआ रूहानी तोहफा है, इंसान को हर बला से महफूज रखता है। इसे मेरे तकिए के नीचे ही रख देना, सफर पर जाऊंगा तो पहन लूंगा। अफसोस, मैंने सोफो निजबा को